दोस्तों, अभी कल खबर मिली थी कि एक कुत्ती ने यहाँ पर पिल्ले दिए और मैं आपको पिल्ले दिखाऊंगा। दुनिया के सबसे महंगे पिल्ले हैं, दुनिया के सबसे महंगे पिल्ले, उन पिल्लों को कोई कीमत लगा नहीं सकता है, इतने महंगे महंगे पिल्ले हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको, इतने प्यारे पपी हैं, इतने प्यारे प्यारे, आपको दिखाता हूँ, आइए। ये देख सकते हैं आप, है ना, दुनिया के सबसे महंगे पिल्ले हैं ये। इनको कोई कीमत लगाता नहीं क्योंकि इन्हें कोई खरीदता नहीं है। देखिए आप, तो इनकी माँ वो बैठी है, ये वो, तो ये वो पिल्ले हैं, इनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता क्योंकि इनको कोई खरीदता नहीं है, इनको कोई भी नहीं खरीदता। ये ऐसे ही कैसे पड़े जाते हैं, ऐसे पड़े होते हैं, इन्हें कोई खरीदेगा नहीं, ऐसे मर जाएंगे, इन्हें कोई मतलब स्ट्रीट डॉग्स को बहुत ही कम लोग रोटी या कुछ खाना वाना बहुत ही कम लोग खिलाते हैं, बहुत ही कम खिलाते हैं लोग, क्योंकि अगर यही डॉग्स लैब्रा होता या जर्मन शेफर्ड होता या पमेलियन होता या अगर कोई ब्रीड होता ना, तो उसे लेके जाते घर में, रोटी पानी चुम्मी पप्पी सब चल रही होती पेल के, उसका कुत्ते का बर्थडे भी, पिल्ले का बर्थडे भी, सबका बर्थडे चल रहा होता, लेकिन इनको कोई नहीं पूछता। तो ये सबसे दुनिया के सबसे अनमोल सबसे महंगे पिल्ले हैं कि इन्हें, क्योंकि इन्हें कोई खरीदता नहीं। तो वो जो पिल्ले थे वो इनके भाई बहन हैं। ओए इधर आओ, चोट सी होगी तेरी। इन सब में सबसे धांसू, सबसे खतरनाक ये वाला है, सबसे ज्यादा ये है, सबसे ज्यादा लड़ता ये है। तो कभी इसके पैर हाथ में चोट लग जाती है, कभी ये देखो ये हाथ सर फुड़ के आया कहीं से, कभी यहाँ फुड़ के आ जाता है ये। सही हो गया है पहले से, तो अब ये भी इतने छोटे छोटे थे, अब वो इतने छोटे थे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि पेट डॉग्स को आप पालते हैं तो पेट डॉग्स लेकर आते हैं घर पे, तो उनको तो आप पालते हैं बहुत अच्छे से, इनकी भी केयर कीजिए, इनकी भी केयर करिए, क्योंकि इनका कोई नहीं होता है उनके लिए। तो आप महंगे महंगे उनको तो आप इतने इतने रुपए दे के खरीद के लेकर आके अपने बिस्तरों पर सुला देते हैं, चलो कोई नहीं, वो तो आपका शौक है, लेकिन इनके लिए कुछ करिए, एटलीस्ट कुछ नहीं तो आप हर एक मतलब एक रोटी, एक या दो रोटी या कुछ इनको दे सकते हैं। अगर एक घर से भी एक एक रोटी जाएगी तो इनके लिए बहुत है। और स्ट्रीट डॉग्स हमेशा वफादारी होता है, जिस गली में रहता है वो उस गली में बहुत वफादार रहता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनकी भी हेल्प करिए, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और एक कमेंट मार दो। मिलते हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय दोस्तों, बाय।